गोपाल मंडल यानी जदयू के विधायक बेबाक बातों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आज एक बार फिर वो पत्रकारों से घिरते हुए नजर आए विधानसभा में। जब विधानसभा में पहुंचे तो उनसे पत्रकार सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आप जमीन कब्जा करने गए थे। तब उन्होंने पत्रकारों को सफाई देते हुए नजर आए, कहा कि मेरा जमीन था, मैं कब्जा करने नहीं गया था, वहां लोग डंडे लेकर शराब पी रहे थे। तब उन्होंने पुलिस यानी कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि पुलिस को मैंने फोन किया था लेकिन पुलिस की भी बात नहीं मान रहे थे। पत्रकारों के सवाल पर घिरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आप भी लोग धक्का मुक्की करते हैं, यानी जब वो जमीन कब्जा करने गए वहां पर उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं आप लोग को जब बाइट देता हूं या नहीं देता हूं उस वक्त आप लोग भी धक्का मुक्की करते हैं नजर आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बाहुबली विधायक अपने हथियार की गिनती भी करवा रहे हैं पत्रकारों के सामने, किसके किसके पास उनका हथियार है, परिवार के पत्नी बच्चे कितने हथियार हैं उनके पास, जबकि सेंट्रल यानी केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी दो हथियार से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे पास तीन से ज़्यादा हथियार है और हम बेचना भी चाहते हैं, यानी कह सकते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में अब विधायक भी हथियार बेचेंगे। इस सवाल और जवाब पर यानी पत्रकारों के सवाल पर विधायक जी जवाब दे रहे हैं कि मेरे पास कितने हथियार हैं और हम बेचने के लिए तैयार हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि अब विधायक जी हथियार बेचेंगे। आप इस सवाल और जवाब के सुनने के बाद, खबर को देखने के बाद, दर्शकों ने उसके दर्शक जो भी हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएं और ये सुशासन बाबू की सरकार में क्या इस तरह के विधायक हो सकते हैं जनता के प्रतिनिधि या जनता के सेवक, आप जरूर जवाब देंगे। इस खबर को देखने के लिए आप अंत तक जरूर जाएं और खबर को देखें। मेरे पास रहता है, आपने कहा कि हम ठोक देंगे। अरे बोलने दो, मैं ये नहीं बोला ठोक दूंगा, उस प्रकार की बात आएगी। एक फेरने का काम करे तो उसमें चूकेंगे थोड़ो, क्या क्या करेंगे, मर नहीं है ना जाएंगे, क्या करेंगे, अरे मुकाबला करेंगे और क्या करेंगे, आप मर्डर कर सकते हैं, आप ठोक देंगे, अरे हमको मार देगा तो हम क्या करेंगे, मरेंगे। लेकिन आप तो जमीन कब्जा करने गए थे ना। जमीन कब्जा नहीं, हम 25 रुपया बजाबते जमीन लिए है, समझे ना, वही कोरोना समय काल के पहले लिए। कोरोना समय काल में वो लोग घेर अति मकान बना सुख दिया, फिर चुनाव आई, फिर मंत्री का होर लगा, इसी क्रम में वो लोग घर बना दिया। आपको लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप गलत कर रहे हैं? अरे भैया भाषा का, 7-8 आदमी दारू पी लेके पूरा लाठिये भांज रहा इधर छरपे भैया, तो आप कानून का सहारा लेंगे, आप कानून अपना हाथ में कैसे ले लेंगे? कानून का पुलिस को बुलाया है, पुलिस को तो मैंने बुलाया, पुलिस का कोई गिनती नहीं, पुलिस पर विश्वास नहीं। क्या कहता है पुलिस, आपका कोई सुशासन में काम नहीं कर रही है? वो लोग नहीं माना, समझे ना, वो लोग बिल्कुल नहीं माना, पुलिस का कोई गिनती नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा गोली चला के हत्या कर देंगे? गोली नहीं चला देंगे, तब हम मर जाएंगे प्लॉट पर, हमारा जमीन है। हाँ ये भले है, तो आपको तो सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है ना लाइसेंसी, आपके पास लाइसेंसी है? कितने सारे आपके पास गन्स है? मेरे पास राइफल है, मेरे पास बंदूक है, मेरे पास रिवॉल्वर है, मेरे भाई का है, मेरे पत्नी का है। आपके नाम पे कितना है? मेरे नाम पर 3 ठो है। लेकिन आप तो गैर कानूनी है, 3 नहीं रख सकते हैं, 2 सिर्फ रख सकते हैं। अरे बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, लेगा कोई तो ना, इतना जल्दी ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आप 3 नहीं रख सकते, पता है ना आपको, अभी हमको लेटर नहीं मिला। अच्छा नहीं, ये तो कानून आ गया है, सेंटर से आ चुका है कि आप 3 नहीं रख सकते हैं। अरे आप हटा देंगे, लेकिन ये जो आपको दिया गया है तो सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है ना, ये किसी की हत्या करने के लिए दिया गया है, दिया गया है तो पॉकेट में रिवॉल्वर रखे, हमको मार्केट चला जाए दिया है। लेकिन आपको वहाँ गए थे ना उस जगह जमीन पर? अरे वो हमारा जमीन था पति जी का भाई। आपके पास जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो किस काम के हैं, जब आप खुद गोली चलाइएगा? सिक्योरिटी गार्ड तो था ही, किसी का गिनती नहीं दे रहा। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई रंगबाज नहीं है, हमसे बड़ा कोई लाठीबाज नहीं है, लाठी चला के मार देंगे? ये बात कि आपसे बड़ा कोई रंगबाज नहीं है, हम रंगबाज है ही नहीं, हम नेता है ना, लेकिन भाषा तो आपकी रंगबाज वाली है। आप पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हम भाषा जो है वो नेता वाली नहीं है, आप मान रहे हैं पुलिस रिफॉर्म है। आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हैं ऐसा बोलकर? हम गलती नहीं कर रहे, नहीं गलती कर, पार्टी को आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?
क्या कार्रवाई करें, कोई गलती आपको आपके पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप कहते हैं ठोक देंगे, आप कहते हैं लाठी भाज देंगे, कैसी भाषा आप मानते हैं पुलिस फेल है बिहार में? अच्छा अगर सामने वाला भी यही चीज बोलने लगे तब तो दोनों में लठम लट्ठा हो जाएगा, मार्केट गोली चल जाएगी, परिस्थिति देखा जाएगा। नेता का काम है कि गोली चलाने से रोकना कि गोली चलाना। अरे भाषण पर दम्मे ने मारेगा तो क्या करेगा? ठीक है अच्छा भाषण देते हैं बोलने के लिए, बोलने के लिए नहीं डराने धमकाने। जमीन कब्जा कर चुके हैं कहीं कहीं ने जमीन गांव वाले लोग कहते थे क्या काम है कब्जा करना, कब्जा नहीं करते हम, गरीबों का मसीहा है सुन लीजिए, वो घर बांध दिया हम चुपचाप लौट गए। हम ये भाषा जो है आपके नेता को पसंद है नीतीश कुमार को? पसंद क्या कहेंगे नीतीश कुमार, हम गलती करेंगे नीतीश कुमार हमको पनिशमेंट देंगे, हम कोई गलती नहीं करते। अरे बेबाक उचित बात हम, ये भाषा अगर आरजेडी वाले बोले तो ठीक है, अगर हर कोई ऐसे ही बोलने लगे मैं लाठीबाज सुनिए मैं रंगबाज हमारा ठोक दूंगा हमारा कब सुनिए ना मेरे पास इतना हथियार है, आप ही लोग तो हत्था बाई करने लगते हैं, हम बैक लेंगे तो हम लेंगे बाई ले रहे हैं, गोली थोड़ी मार रहे हैं, हत्था बाई कर हम कह रहे हैं कि पत्रकारों से भी हत्था बाई करनी पड़ेगी। अपोजिशन आपको बाहुबली बोल रहा है? नहीं नहीं गलत बात, हम कोई बाहुबली नहीं अपना रहे हैं।